ई 10 बीघा का 20 बीघा बनाए ऊ यही रह जाए, इतना बढ़िया घर बनाए कहीं वो यही रह जाए, और कहीं जो मस्जिद बनाए वो तो निशान जाए। हम अपने बेटवा का जब खियाए पियाए हैं कहीं वो यही रह जाए, और कहा जो दीन पर रुपया लगाए हैं वो तो सदमा जाए। ईमान और अमल, ईमान पूछा जाएगा कब्र में, अमल पूछा जाएगा हशर में। नमाज पढ़ियो तो साथ जाइए, रोजा रखो ये तो साथ जाई, हज करो तो साथ जाई, जकात दे तो साथ जाई, पड़ोसी की मदद करो तो साथ जाई, सुन्नी मजहब फैलाओ तो साथ जाई, एक मरकज में जमा हो जाओ तेरे साथ जाई। कायदी ने अहले सुन्नत का बनाया हुआ सामा, उसकी जामे मस्जिद, उसकी निगरानी में मस्जिद दिए हो, ये तो साथ जाई। जितना सवाब घर के अंदर करिए वो साथ जाई, जितना सवाब बाहर करिए वो साथ जाई, तो हाथ डच यही रह जाई। कुरान पढ़ोगे साथ जाई, तोरी इंग्लिश यही रह जाई, लेकिन नबी की ना पढ़ोगे उर्दू में तू वहीं जाई, तो हर हिंदुस्तानी यही रह जाई, मगर हिंदुस्तानी में अगर तू गीत गाए हो तो गीत तो है साथ जाई, हर नेक अमल तोरे साथ जाई, और अमल नमाज सबसे बड़ा अमल है, बहुत बड़ी इबादत, बड़ा बदकिस्मत वो आदमी है जो नमाज ना पढ़े। अबे बेरे खास तय भूलते हो नहीं, लंच भूलते हो नहीं, और डिनर भूलते हो नहीं, नमाज कैसे भूल जाओ, तोरा डिनरवा यही रह जाई, तोरा टॉयलेटवा यही रह जाई, तोहरा बेडरूमवा यही रह जाई, मगर नमाज पढ़े हो तो हर सजदा तोरे साथ जाई, हर रुकू तोहरे साथ जाई, हर कायम तोहरे साथ जाई, फजीर जोहर असर मगरी बेशा तोहरे साथ जाई। ओ में काहे दिल लगाए हो जेका छोड़ना है, दिला तनी उमे लगाओ जेका साथ लेके जाना है। हम सेकेंडरी पास किए, हम ग्रेजुएट भाई, हम पोस्ट ग्रेजुएट भाई, हम डॉक्टरेट किया, हम LLM हुए, LLB हुए, सॉलिसिटर हुए, डॉक्टर हुए, सब यही रह जाए, मगर हमें हमारे बच्चे ने दीन पढ़ा, सुन्नियत को समझा, शरीयत को पहचाना, इस साथ और बगैर मदरसा के ना होए, बगैर टीचर के ना होए, बगैर हाफिज कुरान के ना होए। कहा माम मिसाल से कहा, एक दूसरे काम ना चली, माशाल्लाह ये सोरी नाम फैला हुआ है, फैला तो नबी के इल्म और नॉलेज ऑफ प्रॉफिट की चादर को सरनाम में ऐसा फैला दो कि चदरिया चदरिया ना हो, इल्म का आसमान ना रहा, वही के नीचे हमारी बच्चे बचे, हमारी लड़कियां बचे, हमारी वो बेटी बचे, हमारा बेटा बचे, हमारी नसीब बचे, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू जनरेशन। नॉलेज इज ए लाइट, और दीन की नॉलेज, दीन की नॉलेज, दुनिया की नॉलेज, दुनिया की नॉलेज से जहान को पहचानोगे, दीन की नॉलेज से रहमान को पहचानोगे। अल्लाह को पहचानने वाला इल्म और है, और इंटरनेशनल लॉ, लोकल लॉ, नेशनल लॉ, पुलिस लॉ, ट्रैफिक लॉ जाने चाहिए, एक अच्छे शहरी की हिस्से से हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए, बट यहीं तक रही हूं।
कबर तक साथ ले जाने वाला माल कीमती है। न तेरे साथ तेरा बाप जाएगा, न तेरी बीवी जाएगी, न तेरी बेटी जाएगी, न तेरा बेटा जाएगा। और कहे जरूरत नहीं, समझावे जरूरत नहीं, तू अखिया से देख करते अब्बा गवा तो उसके साथ बेटवा नहीं गवा, शौहर गया तो तेरे साथ बीवी नहीं गई, और बीवी गई तो तेरे साथ शौहर नहीं गवा, अखिया से देख करते हो ना। यही दीजिए चीज तो नहीं गया, ईमान और अमल। अब अगर ये मस्जिद है, यही मदरसा है, यही एक इमाम है, यही पर तालीम है, यही बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, तो जितनी जोर से गूंजेगा कुरान उतनी ही दूर भागेगा शैतान। मीठा भी खाओ सवाब ले, खुरमा भी हाथ में, डबल फायदा। यहाँ बच्चा संभल गया और कब्र में पहुंचा तो चमक गया। अब अल्लाह ताला का इंतजाम देख। नमाज सबसे बड़ी इबादत है और सबसे पहले पूछी जाएगी। ऐसा तो का बतावत है, नमाज सबसे पहले पूछी जाएगी, नमाज सबसे पहले पूछी जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमाज। अबे कभी उनसे पूछो ना, कहां पूछी जाएगी, वेयर, सबसे पहले वेयर। तो रोजे महशर की जहां गुदाज बुवद, अव्वली कोशिश नमाज बुवद, महशर में पूछी जाएगी, कब्र में नहीं। तो का मतलब है नमाज कैसे पूछी है, जे कब्र का इम्तिहान पास किए हुए, और कब्र में है ईमान, तो ईमान वालों से नमाज पूछी जाएगी, बेईमानों से नमाज नहीं पूछी जाएगी। अरे कौनो लड़का क्लास वन में फेल हो जाए, क्लास टू में जाई, क्लास वन में फेल हो जाए, क्लास टू में जाई, तो जो कबर के एग्जामिनेशन में फेल हो जाए वो हसर के एग्जामिनेशन में जाई। कैसे फेलियर जमात के पीछे हम नमाज पढ़ी, हमारी और नमाज बेकार हो जाए। कब्र में 3 क्वेश्चन होंगे, इस पर डिटेल गुफ्तगू होगी, अगर आप बड़ा पीछा करोगे तो हम वो डिटेल आगे बताएंगे। पहला सवाल है मन रबो का, हु इज योर लॉर्ड, तो हर रब क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल मां दीनों का, तो हर दीन का है, व्हाट्स योर रिलीजियन। एंड थर्ड क्वेश्चन, मां कुंता तकूलो फी हाजर रजुल, What do you say about this man? ये मर्द के बारे में क्या कहा करते थे? दिनों क्वेश्चन मालूम? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम देख, जवाबों बता दिए, एडवांस बता दिया। गैब की बतिया मालूम है ना नबी को, तो गैब की बतिया बता रहे हैं, प्रॉफेट है ना, प्रोफेसी कर रहे हैं, प्रॉफिट है, प्रोफेसी कर रहे हैं। कहीं सुन, जो ईमान वाला हुई, मोमिन हुई, सच्चा सुन्नी सही लकीदा हुई, और से जब फरिश्ता कहिए मन लबो का, तो वो सारी जिंदगी हिंदुस्तानी बोली, टाकी टाकी बोला, डच बोला, कबरिया में अरबी बोले। हर आदमी चाहोगा जलाई देव सबलवा उसे, वो की दहिया गालिया लगाए देव तब सबलवा, वो हिंदी बोला था। वहू आ जाए कि अरबी बोलेगा, राम प्रसाद भी अरबी बोल रहा, सुरेश महाराज भी अरबी बोल रहे हैं, जॉनसन अरबी बोल रहा है, अल्बर्ट अरबी बोल रहा है, अब्दुल गफूर भी अरबी बोल रहा है। का मतलब है, जमीनिया पे हम तुम्हें आजादी दिए रहे, जैसे चाहे बोलो, लेकिन जमीनिया के नीचे
मेरे नबी की गवर्नमेंट है, मेरे नबी की बोली तेरे को बोलना पड़ेगा। ये पर हम फिर कभी बात करेंगे। अब ही तो सिर्फ इतनी बात करना है कि जब कब्र में जाना है तो सामान लेके जाओ। ये हो ही नहीं सकता कि हद करे जाओ एहराम ना ले जाओ। ये कैसे हो जाइए कि मर जाओ सवाब ना ले जाओ। हज के लिए एहराम जरूरी है, कब्र के लिए सवाब जरूरी है। अगर पूरा पूरा हज कामयाबी से करना है तो एहराम ले जाओ और एहतराम ले जाओ। एहराम भी ले जाओ और एहतराम भी ले जाओ, और कब्र में तुम्हें जाना है तो आमाल भी ले जाओ, रसूल की मोहब्बत का जमाल भी। सदा होगी न जवान सारी दुनिया है फानी, फानी दुनिया को कलमा पढ़ाए जा। ला इलाहा इल्लल्लाह।